अगर दृढ़ निश्चय और खुद पर विश्वास हो तो शासन और समुदाय के सहयोग से स्कूल में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती हैं और शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे? इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं बीजवाड़ टोंक के महावीर प्रसाद जोशी। जब सन 2000 के अंदर में नासिरदा से ट्रांसफर होकर के मेरा ट्रांसफर बीजवाड़ विद्यालय में हुआ, सेकेंडरी विद्यालय से उस विद्यालय को जाकर के हमने अलग किया। प्राइमरी की बिल्डिंग बनी हुई थी, प्राइमरी की बिल्डिंग में मात्र 2 कमरे थे, 4 दीवारी नहीं थी, पीने के पानी की समस्या थी, शौचालय मूत्रालय नहीं थी और विद्यालय में नामांकन भी कम था। और कमरे बनवाने के लिए हमने जनता से जुड़ाव किया, अभिभावकों से संपर्क किया और सरकार से। जब मैं विद्यालय में गया तो उस समय DPP चालू हो गई थी, तो DPP के सौजन्य से विद्यालय के अंदर एक कमरा स्वीकृत हुआ। उस कमरा को स्वीकृत होने के बाद हमने SMC बनाई विद्यालय के अंदर। SMC बनाकर उन जनता के सहयोग से ही अभिभावकों की कमेटी बना करके उनके द्वारा ही क्रेश समिति बना करके और उनके द्वारा ही विद्यालय में जो कमरा स्वीकृत हुआ उसका निर्माण करवाया। फर्नीचर के लिए हमने विद्यालय के अंदर जो SFG की राशि आती है हर साल, उस SFG की राशि से हम विद्यालय के अंदर फर्नीचर करते हैं। जैसे बच्चों के बैठने के लिए तो उसको फर्श पे बैठते हैं, लेकिन लिखने के लिए उनको ढालू बेंच बनवाई ताकि बच्चे के कमर में मतलब बलबल नहीं पड़े और घुटनों के उसमें दर्द नहीं हो, उसके हिसाब से हमने उसके ढालूदार बेंच बना करके फर्नीचर की व्यवस्था की बच्चों के। जब मैं विद्यालय में गया सर तो पीने के पानी की बिल्कुल समस्या थी, उसके लिए गांव के अंदर हमने जन अभिभावकों से संपर्क किया, सबको संपर्क करके उनकी एक समिति बनाई। समिति बना करके उनको विद्यालय की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, उनको मोटिवेट किया कि आपके गांव के ही बच्चे हैं और जब तक आप और हम सहयोग नहीं करेंगे बच्चों को ही परेशानी रहेगी। बच्चा अगर स्कूल के अंदर 5-6 घंटे आता है उसको अगर बाहर छोड़ते हैं पानी पीने के लिए तो आधा पौन घंटा बाहर उसको लग जाता है। तो इस वजह से उनसे आग्रह किया गया समिति वालों से कि आप में से ही कोई डोनेट विद्यालय के अंदर ऐसा दानदाता हो ताकि विद्यालय में बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके। तो उन समिति के सदस्यों के द्वारा एक हरलाल जी मीणा नाम के व्यक्ति थे, और हरलाल जी मीणा ने डोनेट विद्यालय के अंदर एक पीने के पानी की टंकी डोनेट की। टंकी तो उन्होंने दे दी लेकिन अब उसको भरने की समस्या हो गई, तो भरने के लिए गांव के एक भामाशाह थे जगदीश जी जाड़ बोड़ा, उन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक मैं आपके जो बच्चों की टंकी है पीने के पानी की उसको फ्री मैंने ट्रैक्टर के ढोल बांध करके और मैं खुद आकर के आपकी टंकी को कुएं पर से पानी खींच करके ला करके और भरूंगा। उसके बाद DPP चालू हो गई, DPP के सौजन्य से विद्यालय के अंदर हैंडपंप लगा। हैंडपंप लगने के बाद पीने की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। सन 2000 के अंदर DPP के सौजन्य से ही मतलब विद्यालय के अंदर 8,000 रुपये के अंदर मूत्रालय शौचालय निर्माण का पैसा आया था, बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, ये शौचालय मूत्रालय जनता के सहयोग से और वो जो पैसा है DPP के सहयोग से उसके द्वारा हमने बना दिया। 4 दीवारी के लिए हमने क्या है कि सर गांव के अंदर 4 दीवारी उसके विद्यालय के कम थी, गांव वालों के सहयोग से विकास का पैसा विकास समिति के द्वारा ही लेकर के उन्हीं के द्वारा लेकर के और विद्यालय की 4 दीवारी उन्हीं के सहयोग से क्रय समिति भी उन्हीं के द्वारा बना करके और हमने विद्यालय की 4 दीवारी बनाई, तब से हमारे पौधे और विद्यालय भी सुरक्षित है। स्कूल में नामांकन बढ़ा, अभिभावकों का और अध्यापकों का सामंजस्य भी बढ़ा, विद्यालय के प्रति अभिभावकों का रुझान बढ़ा, बच्चों में विद्यालय के प्रति और पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ी। सर्वांगीण विकास तभी सक्षम है जब हमारा निरंतर अभिभावकों से संपर्क बना रहे, हमारा शिक्षण अच्छा हो, तो ही हम विद्यालय का चहुंमुखी विकास कर सकते हैं।